क्वेश्चन फोर चैप्टर सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला है अ 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 10% ग्लूकोज इन वाटर, और बोला हुआ है हमें इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है 273.15 केल्विन। क्वेश्चन हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। ओके, तो पहले हम सॉल्व गिवन वैल्यूज लिखते हैं। हमें यहाँ पर ग्लूकोज का वाटर के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, जिसके लिए हमें के एफ गिवन नहीं है। तो के एफ की वैल्यू हम सुक्रोज से कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे? पहले देखो, हमें बोला 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज, 10% सॉल्यूशन बाय मास मीन्स, इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बात करता हूँ सुक्रोज जो कि सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मैं 20 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, सुक्रोज का मास कितना आ गया? ये 10 ग्राम, डब्ल्यू बी इजकल टू 10 ग्राम। मोलर मास की बात करूँ सुक्रोज का 342 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला होता है C12H22O11। ओके, वाटर की बात करूँ तो इसका मास हमें कितना आएगा? देखो सॉल्यूशन 100 है, सॉल्यूट 10, सॉल्वेंट जो कि वाटर है कितना जाएगा? 90 ग्राम। ओके, केजी में कन्वर्ट करूँगा तो 0.090 केजी। हम यहाँ से के एफ कैलकुलेट करेंगे। के एफ के लिए हमें डेल्टा टी एफ भी पता होना चाहिए, और डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी एफ नोट माइनस टी एफ। टी एफ नोट जो कि सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को, ये सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्वेंट जो कि वाटर है, क्वेश्चन में बोला भी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273.15। तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करूँ 273.15 माइनस सॉल्यूशन, सुक्रोज को वाटर में जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है सॉल्यूशन मतलब 269.15, दोनों माइनस करेंगे 4 केल्विन आ गया डेल्टा टी एफ। और हमें पता है डेल्टा टी एफ जो कि होता है के इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। केजी में मैंने सॉल्वेंट का मास पहले ही कन्वर्ट कर दिया है। तो डेल्टा टी एफ ये के एफ है, तो के एफ अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ, के एफ इजकल्ट होगा ये सारी वैल्यू डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू बी। डेल्टा टी एफ फॉर एम बी 342, डब्ल्यू है 0.090 अपॉन डब्ल्यू बी इरा 10। पॉइंट हटाया 1, 2, 3, 10 से 10 काट, 9, 4 जा 36, 36 को 342 से इंटू कर दूँ, 6, 2 जा 12, 1, 6, 4 जा 24, 5, 2, 6, 3 जा 18, 20, 3, 2 जा 6, 3, 4 जा 12, 1, 3 जा 9, 10। तो यार 2, 1, 3, 2, 1, तो यार 1, 2, 3, 1, 2 अपॉन 1000।
सॉल्व करेंगे तो 12.312 केएफ, जिसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन एजी मोल इनवर्स। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये केएफ की वैल्यू हम ग्लूकोज के लिए पुट करेंगे, इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन में हमें बोला था देखो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मतलब ग्लूकोज के लिए हमें ये निकालना है टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का। तो उसके लिए पहले हमें उसका डेल्टा टी एफ पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ग्लूकोज के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसका भी 10% दे रखा है, तो सीधा डायरेक्ट हम लिख लेते हैं ग्लूकोज जो कि क्या है, सोल्यूट, और सोल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉल्वेंट जो कि क्या है, वाटर, वाटर को ए से रिप्रेजेंट करना है। ग्लूकोज का मास कितना हुआ है, डब्ल्यू बी, 10% है, मतलब 10 ग्राम, वही स्टेटमेंट सेम। ओके, 10 ग्राम। मोलर मास की बात करूँ ग्लूकोज, तो ये होता है 180 ग्राम मोल इनवर्स। आप कैलकुलेट कर सकते हो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ओके, डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का मास वही 100 में से सेम एज इट इज, 10 माइनस करूँ तो 90 ग्राम, और केजी में करूँगा तो 0.090 kg। हमें पता है डेल्टा टी एफ स्कूल टू होता है के एफ इंटू मोल लैलिटी, जो कि सॉल्व करने पर यह आता है डब्ल्यू बी एम बी मास ऑफ सॉल्वेंट के जी, के जी में पहले ही कन्वर्ट कर दिया है। देन डेल्टा टी एफ, के एफ कितना है, 12.312, डब्ल्यू बी 10, एम बी आर 180, एंड डब्ल्यू है 0.090। तो सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, 0 से 0 कट, ऊपर आया 12312, नीचे बचा 180 इंटू में 9, तो 18 को 9 से करूँगा, 9 8 72, 7 9 1 9 6, 12312/1620 डेल्टा टी एफ। इसको अब डिवाइड करना है, एक मिनट देख लो कैलकुलेट सही हुआ है, 9 8 72, 7 9 1 8 6, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, कोई नहीं कर लेते हैं, तो 1620, ये 12312, तो करके देखते हैं, 1620 6 7, 7 0 7 2 14, 1 7 6 42 3 4, 7 7 11, हाँ जा रहा है 7 पे जा रहा है, 7 1 1 3 4 0। तो मैं इसको सब, चलो आगे सॉल्व करते हैं, अप्रोक्स लिख लेता हूँ 7.5 डेल्टा टी एफ, तो 7 पॉइंट कुछ आ रहा था, मैं लिख रहा हूँ 7.5 केल्विन। ओके, आप कैलकुलेट कर लेना पूरा पॉइंट में, डेल्टा टी एफ इतना आ गया। हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब डेल्टा टी एफ, हमें पता है, सॉरी सॉल्यूशन मतलब टी एफ। ओके, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और टी एफ जो कि कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, टी एफ कैलकुलेट करूँगा, ये इधर आगे वैल्यू वो इधर, टी एफ नॉट कितना है, ये रहा प्योर सॉल्वेंट 273.15 माइनस 7.5, तो ये कितना आ रहा है, माइनस कर लेते हैं लो 273.15, 7.5, 5 5, 11 में से 5 गया 6, 12 में से गया ये कितना आएगा 5, या गया 265.65 केल्विन। हमने यहाँ पर वैल्यू थोड़ी अप्रोक्स में ली थी, तो पॉइंट के बाद कुछ चेंजिंग आ सकता है। ओके, आंसर हमारा 265.65 केल्विन है, तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ओके, तो नाउ कंप्लीट।